ओके सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया ही होगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज का वीडियो हमारा वाइट स्पॉट्स पर होने वाला। वाइट स्पॉट्स जो हमारे फेस पर हो जाते हैं, सो इसीलिए आज का वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर होने वाला है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आपको भी अपनी किसी भी प्रॉब्लम पर वीडियो चाहिए ग्रूमिंग लाइफस्टाइल फैशन से रिलेटेड, सो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं। मैं आपके टॉपिक पर भी वीडियो बना दूंगा जैसे इस टॉपिक पर बना रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारे फेस पर व्हाइट स्पॉट्स होते हैं वो दिखते कैसे और ये होते कितने तरीके के। व्हाइट स्पॉट सिंपली हमारा जो नेचुरल स्किन का कलर होता है उससे थोड़ा व्हाइट दिखते हैं, थोड़ा उससे लाइट दिखते हैं। बट इसमें दो तरीके के व्हाइट स्पॉट्स होते हैं। बात कर लेते हैं ये दो तरीके के होते कौन कौन से। सो जैसे आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि फिश और दूध एक साथ खाने से हमारे ये हो जाते हैं, तो ऐसा होता है बट जरूरी नहीं कि ऐसा ही होता है। सो अगर आपके इस तरीके वाले आपके काफी ज्यादा व्हाइट स्पॉट्स है कुछ इस तरीके से, सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको यूट्यूब वीडियो देखने के बजाय आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे आप अपना चेकअप करवाएं, तब वो आपकी प्रॉब्लम बताएंगे। एंड देन अब बात कर लेते जो कि सेकंड वाले होते हैं, जो कि हल्के फुल्के हमारे लाइट दिखते हैं हमारे स्किन कलर से और बहुत ही कम हमारे फेस पर होते हैं। सो ये सिंपली होते किस वजह से, ये होते हमारे फेस पर ड्राइनेस की वजह से। जब हमारा फेस हमारी स्किन काफी ज्यादा ड्राई पड़ जाती है उसकी वजह से ये हमारे होने लगते हैं। सो अब आपको सिंपली सॉल्यूशन क्या करना है वो तो आप भी कई हद तक समझ ही गए होंगे। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो आपको दिन में 3 से 4 बार कम से कम अपने फेस पर मॉइस्चराइजर जरूर से लगाना है, ताकि आपका फेस ड्राई ना रहे, उस पर मॉइस्चर बना रहे, जिससे कि ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट चीज आपको करनी है, आपको वाटर इंटेक अपना बढ़ा देना है। आप वाटर पिए ज्यादा से ज्यादा, आप जूस पीना, आपको जितना हो सके अपनी बॉडी को अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखना है। उसकी वजह से क्या होगा, हमारी इंटरनली और एक्सटर्नली जो भी ड्राइनेस रहेगी वो खत्म हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं हमारी मेंटेन रहेगी, हमारी स्किन ड्राई नहीं रहेगी। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज की, आपको ज्यादा फेस वॉश यूज नहीं करना, और आप जब भी फेस वॉश यूज करें तो आपका फेस वॉश क्रीम बेस्ड फेस वॉश होना चाहिए, जिससे कि आपके फेस पर ड्राइनेस नहीं आए, वो थोड़ा सा मॉइस्चर उसमें रहेगा। सो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको सिंपली वो चीजें करनी है जिससे कि आपके फेस पर मॉइस्चर बना रहे और आपका फेस बिल्कुल भी ड्राई ना रहे। अगर आप ये चीजें 1 महीने तक फॉलो करोगे सो सिंपली आपके काफी हद तक ये खत्म ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की वजह से होते हैं, हमारी ड्राइनेस की वजह से। सो आपको सिंपली ये चीजें कुछ फॉलो करनी है और अपनी स्किन को ड्राई होने बिल्कुल भी नहीं देना। एंड देन जो पहले वाला था उसके लिए मैं फिर से यही कहना चाहूंगा कि आप सिंपली अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाए, उनसे अपना चेकअप करवाए, तभी आपका कोई सॉल्यूशन निकलेगा बजाय कोई यूट्यूब वीडियो देखने के। सो बस गाइस, इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।